रहे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद एनएस। तो आज मैं बनाऊंगी कढ़ी पकौड़ा जो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में मेरे स्टाइल में होगा। तो कढ़ी हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। बहुत अच्छी बनती है और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। इसके लिए मैंने 1 किलो दही लिया था, कुछ तो मैंने एक साइड पर कर दिया, पानी डाल के इसकी बबल लस्सी बना ली है। ये 1 कप पड़ा है दही का, इसमें मैं ये डालूँगी बेसन, और 100 ग्राम बेसन है, 1 प्याली तकरीबन बनता है, 1 प्याज है बारीक काटा हुआ मैंने, 2 टमाटर हैं उनका पेस्ट बनाया हुआ, अदरक लहसुन है 1 चम्मच, 7 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक काटी हुई हैं। मिर्चें सब्ज़ जो है अपने हिसाब से आप डाल लें, कम ज़्यादा कर सकती हैं। लाल मिर्च 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ज़ीरा है, और आधा चम्मच जो है वो जो मेथी दाना, वो मोटे वाले जो मेथी होते हैं वो। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये बेसन डालेंगे इसमें दही में डाल के। अच्छा, कुछ लोग तो ये है कि मिर्चें और ये हल्दी इसमें डाल देते हैं दही में मेरे बेसन के साथ, लेकिन मैं बेसन के साथ नहीं डालूँगी उसको, अलहदा मैं वो फेंट लूँगी अच्छे तरीके से, गुठलियाँ उसकी सारी ख़त्म कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं अब चलती हूँ चूल्हे की तरफ। चलिए, ये बेसन मैंने वो है दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब मैं इसमें ना डाल दूँगी लस्सी में, जो लस्सी मैंने बनाई थी इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और कुछ भी नहीं मैं इसमें डालूँगी, मैं सारा कुछ मसाले में डाल के फिर इसको इसके अंदर डालूँगी कड़ी के, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले जो मैं ये मेथी दाना डालूँगी, और साथ में ये डालूँगी साबुत ज़ीरा, इनको हल्का से इनकी खुशबू जब आ जाएगी हल्का सा इनको ब्राउन करेंगे। आधा कप मैंने इसके लिए घी का लिया, आधा कप मैंने घी लिया, 1 किलो दही की मैं बना रही हूँ कड़ी, इसमें 100 ग्राम मैंने बेसन डाला है, कोई कम से डालता है बेसन कोई ज़्यादा डालता है, यह कि हल्का से इसकी खुशबू आने लग गई है, ये देखिए। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, प्याज को थोड़ा नरम करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, थोड़ा नरम करेंगे, फिर इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी प्याज जो है वो नरम हो चुकी है, इसमें ये लहसुन अदरक डाल देंगे, थोड़ा भुनेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना है इसको, साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी जो साथ है मैंने काटी है बारीक बारीक, फिर नमक और नमक बाद में डालूंगी, ये पहले हल्दी और लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया मैंने, नमक मैं बाद में डालूंगी क्योंकि वो कड़ी जो है वो बार बार से उबलेगी नमक की वजह से, पहले भी डाल देते हैं कुछ लोग बाद में डालते हैं। साथ इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर आप लोग चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, और खट्टी कड़ी अच्छी लगती है, मेरा दही जो है वो ज़्यादा खट्टा नहीं है मैं इसलिए टमाटर डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से भुनेंगे फिर हम इसमें वो डालेंगे दही, मसाले ने वो है घी छोड़ दिया है अच्छे से, इसको मैंने एक जगह था ऐसे पानी डाल के हल्का सा भुना है, लेकिन मैं इसी तरीके से कढ़ी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी ट्राई करें। घी छोड़ दिया सारा इसने, और मैं इसमें डाल दूँ दही में, मैंने पानी डाल के ये भी तैयार कर लो, 1 किलो दही था, 1.5 किलो मैंने पानी डाला है, 1 किलो मैं और पानी और डालूंगी, तकरीबन 1 किलो मैं पानी और डाल दूंगी, 1 किलो दही था इसमें, 2.5 किलो मैंने पानी डाला। रमन रहम, ये कड़ी हमारी पकती को हो गए 10-15 मिनट तकरीबन, ऐसे मैंने चमचा हलाती रही हूँ बार बार, चमचा हलाई बगैर नहीं छोड़ना इसको, नहीं तो वो दही की फिर फुटियाँ बन जाएंगी। तो अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, नमक थोड़ा बाद में डालने का फ़ायदा यही होता है वो बार बार फिर उबाल नहीं आती ऊपर से, ये कड़ी ने पकना शुरू हो गई तो अब इसमें उबाल नहीं आएगा,
अब इसको मीडियम आग पे छोड़ देंगे कि इसका घी वगैरह सारा ऊपर आ जाए, ढक्कन दे के। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी कढ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसको बॉडी भी नहीं करना, बस ऐसे ही बनाना करना है इसको। तो ये अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी एक चम्मच भर के, और साथ में ये डाल दूँगी खुश्क मेथी मेरी घर की सुखाई हुई है। ये है कि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब इसको कवर करके हम साइड पे रखते हैं और पकौड़ों की तैयारी करते हैं। रहमान रहम, अब हम कढ़ी के लिए पकोड़े तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ये सारा चीज़ें ले ली हैं। तो मैं अब इसमें ये डालती जाऊंगी और आप लोगों को बताती जाऊंगी। ये मैंने एक पाव बेसन ले लिया, इसको इसमें डब्बे में मैंने छान लिया था। तो सबसे पहले इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। ये डेढ़ चम्मच मैंने नमक लिया, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली हैं, एक चम्मच लाल मिर्च लिया, एक चम्मच साबुत ज़ीरा लिया, एक चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया और आधा चम्मच हल्दी लिया है। इसमें शामिल करते हैं, इसमें 6-7 कटी हुई मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें ये डाल दूँगी। इसमें एक चम्मच मेथी डालूंगी, पकौड़ों में मेथी से खुशबू आती है, ज़्यादा मेथी नहीं डालनी, इससे कड़वे हो जाते हैं। ये एक कप मैंने पालक ले ली है और आधा कप मैंने धनिया सब्ज़ ले लिया, और ये दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं जो मैंने लंबे लंबे काट के उनको फिर ऐसे तोड़ लिया है। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने, ये इसमें डाल दूँगी। कुछ मैंने ऐसे बिल्कुल काटे हैं और कुछ थोड़े मैंने लंबे काटे हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी हो आप वैसे काट सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे पानी के बगैर। पहले देखो पानी, फिर बाद में जितनी ज़रूरत होगी उतना डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बेसन में मिक्स कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अच्छा, ये पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए इसका एक ये टिप ही है मेरे पास, ये है कि पहले ना पकौड़ों को सबको बैटर को अच्छे से तैयार करके ना सख्त करके रखना है एक साइड पे, ऐसे एक साइड पे लगा दिया। तो ये जितने पकौड़ों का आपने फूल डालना है इसमें ये उसको तैयार करना है, तो वो डालना है। इसमें थोड़ा बेसन और जाएगा, मैं थोड़ा बेसन और मिक्स करती हूँ। जी हमारा गर्म हो रहा है, तो ये देखिए ये आधा एक साइड पे लगा लिया, इससे ये तो पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। नहीं तो ये है कि सारा हमने एक दफ़ा में तैयार कर लिया, मैं वो नरम हो जाएगा पड़ा पड़ा, ये पकौड़े जो हैं क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए हमारा गर्म हो चुका है, ये मैं इसमें हाथ से मैं इसमें डालूँगी पकौड़े। आप लोग चम्मच से डालना चाहे तो चम्मच से डाल सकते हैं, मैं तो अपने पंजाबी स्टाइल से डालती हूँ, अपने से डालते हैं। ये देखो जी हमारे पकौड़े जो हैं वो हो चुके हैं, गोल्डन कलर हो गया इसका, ज़्यादा डार्क नहीं इनको करना। एक पकौड़ों में हल्दी थोड़ी सी ज़रूर डाला करें, इससे इनका कलर बहुत अच्छा आता है। ये हम इसमें डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। और ये देखें साथ ही ये जो मेरा रह गया था आधा पकौड़ों का बैटर, मैं इसमें यह है कि ऐसे डालने से ना एक ही दफ़ा में ना तैयार करें, जब भी पकौड़े बनाएं तो जितना चाहिए जितना उसमें डालना है उतना तैयार करें, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। ऐसे जो सारे पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, पकौड़ों का बैटर ना तो ज़्यादा सख्त किया करें और ना नरम किया करें, डाल देंगे ऐसे हम सारे पकौड़े जो है तैयार कर लेंगे। हमारे तैयार हो चुके हैं सारे, ये हम कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी में डाल के इनको दबा देंगे अच्छे से, ये नरम हो जाएंगे। अब हम इसका जो है वो तड़का तैयार करते हैं। कढ़ी को हम डिश आउट करते हैं और फिर इसका जो है वो तड़का बनाते हैं। चलिए तड़के के लिए मैंने वो पकौड़ों वाला से ले लिया है घी थोड़ा सा, करीबन 3-4 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डालूंगी पहले, और साथ ही ये कड़ी पत्ते मेरे पास कुछ हैं, अगर आप लोगों के पास सब्ज़ हैं तो वो डाल दें।
धीरे की जब खुशबू आएगी तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। मैं ये साबुत मिर्चें नहीं डाल रही, मैं कूटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। ऐसे ही साबुत मिर्चें बच्चों के मुँह में जाती हैं तो फिर नुकसान होता है। चलिए ज़ीरा ब्राउन हो गया, उसमें चूल्हा बंद करके ये मिर्चें डाल दी मैंने। ये देखिए जी, ये देखिए जी, कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तड़का हमने ऊपर से लगा दिया है। ये है कि हमने कुटी हुई मिर्चों का लगाया है, यह लाल मिर्च जो साबुत होती हैं उसका नहीं लगाया मैंने। ये भी इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत अच्छी ये तैयार हुई है हमारी कढ़ी माशाल्लाह से। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यह कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ज़्यादा चाहती हूँ इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारी दुनिया और आखिरत की मुश्किलों को आसान करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।